साउथ इंडियन का कोई सुपरस्टारों का फिल्म है। रिलीज होने के साथ ही साथ हिंदी डब्ड लवर ने ईगरली वेट करते हैं उस फिल्म का हिंदी कब आएगा, और शायद इसी वजह से हिंदी डबिंग राइट भी काफी हाई प्राइस में सोल्ड होता है। तो आज मैं ऐसे ही हाईएस्ट प्राइस वाला हिंदी डब्ड फिल्मों के बारे में बताने वाली हूँ, और अगर आप हो फिल्म लवर तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखिएगा और एक लाइक भी करिएगा। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर टू, राजा द ग्रेट। और इस लिस्ट पर तमस महाजन रविदेजा की फिल्म भी शामिल है। 2017 में एक्शन कॉमेडी फिल्म, और इसमें रविदेजा को एक बाई बॉर्न ब्लाइंड लड़का के रोल में नजर आई है। और बता दोस्तों, रवि का इस फिल्म का हिंदी डबिंग राइट सोल्ड हुआ था 16 करोड़ में। नंबर 11, अरविंद समिता वीरा राघवा। और 2018 का एक्शन ड्रामा फिल्म है, जहाँ पर यंग टाइगर जूनियर इंटर को काफी पावरफुल एक्टर में नजर आया था, और इसे ब्लॉकबस्टर फिल्म का हिंदी डबिंग राइट सोल्ड हुआ था 18 करोड़ में। नंबर 10, आला वैकुंठ था पुरमुलो। हाँ दोस्तों, इस लिस्ट पर नंबर 10 पर ही आते हैं स्टार अल्लू अर्जुन का ये इंडस्ट्री हिट फिल्म, और जो 2020 में एक्शन ड्रामा फिल्म, और जिसका हिंदी डबिंग राइट उस वक्त सोल्ड हुआ था 19 करोड़ में। नंबर 9, महर्षि। और इस बार शामिल है टॉयलेट को प्रिंस सुपरस्टार महेश बाबू का नाम, जहाँ पर उनका ये फिल्म 2009 में आई एक्शन ड्रामा फिल्म, और जहाँ पर इसमें उनको एक मिलीनियर बिजनेसमैन ऋषि के रोल में नजर आया था, और उनका इसी फिल्म का हिंदी डबिंग राइट रहा 20 करोड़। नंबर 8, आखंड। और बता दोस्तों, ये अपकमिंग तेलुगु एक्शन फिल्म है, जहाँ पर नंदमुरी बालाकृष्णा जो लीड रोल में नजर आएंगे, और इसमें उन्होंने प्ले करने वाले हैं डबल रोल, और जिसका हिंदी डबिंग राइट ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं 21 करोड़ में। नंबर 7, विनय विदया रामा। और इस बार शामिल है मेगा पास्टर रामचरण का फिल्म, और जो 2018 में एक्शन फिल्म, और जहाँ पर यह फिल्म साउथ का बॉक्स ऑफिस पर रहा फ्लॉप, पर रामचरण का हिंदी ऑडियंस की क्रेज की वजह से इसका हिंदी डब्ड प्राइस रहा 22 करोड़। नंबर 6, विमला नायक। और ये अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म है, और जहाँ पर पावर स्टार पवन कल्याण राणा दग्गुबाती लीड रोल में जाएंगे, और रिलीज होने से पहले ही फिल्म कर चुके हैं नया रिकॉर्ड, जहाँ पर इसका ग्लिम्स टॉलीवुड का सबसे मोस्ट व्यूड और मोस्ट लाइक वाला ग्लिम्स रहा, और विमला नायक का ऑलरेडी हिंदी डबिंग राइट सोल्ड हो चुके हैं, और जो सोल्ड हुआ है हुपिंग अमाउंट 23 करोड़ में। नंबर 5, सरकार। और इस पर शामिल है थलपति विजय का पॉलिटिकल एक्शन फिल्म सरकार, और जहाँ पर इसमें उनको एक कॉर्पोरेट मॉन्स्टर के रोल में नजर आई है, और उनका इस फिल्म का हिंदी डबिंग राइट रहा 24 करोड़। नंबर 4, वादी वसल। और एक बार शामिल है एक अपकमिंग तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म, और जो फिल्म है मारा सूर्या का, और इसका स्टोरी तमिलनाडु का फेमस स्पोर्ट जल्लीकट्टू पर बेस्ड होगा, और इसमें सूर्या को डबल रोल में नजर आएंगे, और बता दो दोस्तों, उनका इस फिल्म का हिंदी डबिंग राइट ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं 25 करोड़ में। नंबर 3, आचार्य। और इस बार शामिल है मेगा स्टार चिरंजीवी का अपकमिंग फिल्म आचार्य, और जहाँ पर ऑलरेडी इस फिल्म का टीजर को काफी पॉजिटिव रिव्यू मिला है, और बता दोस्तों, जिसका हिंदी डबिंग राइट सोल्ड हुआ है 26 करोड़ में। नंबर 2, बिगिल। हाँ दोस्तों, इस लिस्ट पर नंबर 2 पर आते हैं थलपति विजय का नाम, और ये फिल्म 2019 का स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है, और जो 2019 का कॉलीवुड का वन ऑफ द मोस्ट हाइप वाला फिल्म था, और जिसका हिंदी डबिंग राइट सोल्ड हुआ था हुपिंग अमाउंट 28 करोड़ में। नंबर 1, विक्रम। और ये अपकमिंग तमिल का एक्शन थ्रिलर फिल्म है, और जहाँ पर मेगास्टर कमल हसन, माका सिल्वन, विजय सेतुपति, मॉलिड का पावर हाउस फहद फसल तीनों मैजिकल कॉम्बो को एक साथ नजर आएंगे, यानी कि ये फिल्म होने वाली है एक मास्टरपीस फिल्म। और बता दोस्तों, ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं एक नया रिकॉर्ड, और जहाँ पर इसका हिंदी डबिंग राइट सबसे हाई प्राइस 38 करोड़ में सोल्ड हो चुका है, और जो एक मैसिव अमाउंट है, और ऐसे करके विक्रम फिल्म हिंदी डबिंग राइट सोल्ड पर नंबर 1 पर आते हैं। तो दोस्तों, ये रहा कुछ ऐसे फिल्मों के बारे में जिसका हिंदी डबिंग राइट काफी हाई प्राइस पर सोल्ड हुआ है। तो दोस्तों, इसे फिल्मों से कौन सी हिंदी डब्ड फिल्म के लिए आप एक्साइटेड है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी करिएगा, और सभी बॉलीवुड और साउथ इंडियन न्यूज़ अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।